गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ योर जीके बुक, चैप्टर नंबर 6, इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी वो होता है जो कि हम जैसे कोई भी पैसे यूज़ करते हैं, मतलब 100 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़, 50 रुपीज़, ये सब इंडियन करेंसी बोला जाता है, राइट। नाउ स्टार्ट द चैप्टर, रीड द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द इंडियन करेंसी एंड स्टेट देयर समरी इन द गिवन ब्लैंक्स, यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स। अब यहाँ पे हम रीड द फॉलोइंग फैक्ट, मतलब हमें यहाँ पे इंडियन करेंसी के बारे में कुछ फैक्ट, कुछ सच्चाई है वो पढ़ेंगे, उनकी समरी दी हुई है गिवन ब्लैंक में, ठीक है। एंड हेल्प बॉक्स पे ऑलरेडी उनका नेम है जो वो बंदा यूज़ किया है उसको, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, दिस किंग रुपया बिकेम द फोर रनर ऑफ द मॉडर्न रुपीज़। जो राजा थे रुपया, वो जो आधुनिक, मतलब जो नया रुपया आया था, मॉडर्न रुपीज़ आया था, उसके ये फोर रनर थे, मतलब इन्होंने वो अग्रदूत टाइप से यूज़ किया था इसको। उनका नाम था शेरशाह सूरी, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस किंग पोर्ट्रेट वॉज इन इंडिया पेपर करेंसी इन 1923। इनका नाम है किंग जॉर्ज विज। किंग जॉर्ज विज का 1923 में जो करेंसी, मतलब इंडियन करेंसी में उनका फ़ोटो बना हुआ था, ओके। नाउ थर्ड है आपका, डिनोमिनेशन ऑफ 1 पैसा, 2 पैसा, 3, 5, 10, 20 पैसे एंड 25 पैसे वेयर इन सर्कुलेशन टिल दिस डेट। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा अप टू, मतलब ये जितने भी हैं 25 पैसे, ये 30 जून 2011 तक ये पैसे सर्कुलेट हुए थे, राइट, मतलब ये थे। फोर्थ, इट वाज़ द हाईएस्ट डिनोमिनेशन करेंसी नोट प्रिंटेड बाय द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स हिस्ट्री। रिज़र्व बैंक के जो बैंक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उनकी हिस्ट्री में ये इंडियन करेंसी नोट प्रिंट हुआ था। इट वॉज़ सर्कुलेटेड बिटवीन 1938 to 1946, लेटर डिसकंटिन्यू। ये सर्कुलेट, ये कब तक चला था, 38 से 46 तक, उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू, इसको रोक दिया गया। इट वॉज़ री इंट्रोड्यूस इन 1954 एंड डिसकंटिन्यू इन 1978। इस वापस ये इंडियन करेंसी यूज़ हुआ था, री इंट्रोड्यूस किया गया था 1954 में और डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 1978 में। ये कौन से थे नोट, 10,000 के, ओके। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट, हैदराबाद वॉज द ओनली स्टेट दैट हैड अ पेपर करेंसी सिंस 1916 टिल 1952। हैदराबाद इकलौता ऐसा है, इट वॉज द ओनली स्टेट, मतलब इकलौता स्टेट है जहाँ पे पेपर करेंसी 1916 से 1952 तक चला। द नोट वॉज प्रिंटेड इन उर्दू, और नोट जो प्रिंटेड था वो उर्दू में था एंड अदर लैंग्वेज वेयर इन यूज इन सदर्न इंडिया, ओके। और जो अदर लैंग्वेज में जो वो बना था पेपर, वो था सदर्न इंडिया में, ठीक है, रियल लाइफ। फाइंड आउट इन विच नोट ऑफ द इंडियन करेंसी वॉज द विग्नेट ऑफ द सेलिंग बोट और द धो यूज। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, ऑल नोट्स एक्सेप्ट दिस नोट आर प्रिंटेड बाई RBI। दिस नोट वॉज इशू बाई द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ एक ही नोट था, मतलब ऑल नोट्स एक्सेप्ट, मतलब सारे नोट एक्सेप्ट किया गया था, बस ये जो RBI ने 1 रुपीज़ नोट को एक्सेप्ट नहीं किए थे। दिस नोट वॉज इशू, ये इशू हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तरफ से, ओके। सिक्स्थ है, फ्रंट साइड ऑफ करेंसी नोट 500 and 2000 हैव डिफरेंट शेप विद इन द डिनोमिनेशन इज रेज्ड प्रिंट विद द हेल्प ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन टू आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन वैल्यू ऑफ दीज नोट। इनका क्या नाम था, ब्रेली साइन। सेवेंथ है, अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश विच अपियर ऑन द फ्रंट साइड, मतलब हिंदी और इंग्लिश जो अपियर था फ्रंट साइड में, उसके अलावा नंबर ऑफ द अदर लैंग्वेज अपियर ऑन द रिवर्स साइड, और उसके अलावा 15 अदर लैंग्वेज, कितने लैंग्वेजेस थे, 15 अदर लैंग्वेज रिवर्स साइड में थे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा, इन केस कोई प्रॉब्लम होता है किसी में भी तो आप मेरे से पूछिएगा, ओके, थैंक यू सो मच। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 7, इम्पॉर्टेंट डेट्स। सम डेज आर ऑब्जर्व टू मार्क स्पेशल ओकेजन। कुछ डेज ऐसे होते हैं जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ स्पेशल ओकेजन, मतलब एक
कोई अच्छा दिन जैसे होली, दिवाली, दशहरा, उस बेसिस पे हम इसको मानते हैं। दीज डे शो कंसर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इशूज एज अ मार्क एंड रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल और सम कॉज। रीड द टिक एंड द करेक्ट ऑप्शन। ओके, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये हम कब मनाते हैं? 5 जून को। ओके, मदर्स डे 2nd Sunday ऑफ मे। थर्ड है आपका इंटरनेशनल वुमेन डे, वुमेंस डे, ये हम करते हैं 8 मार्च को। ओके, नाउ 4 है आपका पॉइंट मैट्रियार्क्स डे, January 30। नाउ 5th पॉइंट यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे, हम कब मनाते हैं? October 24 में। ओके, ह्यूमन राइट्स डे December 10, इंटरनेशनल लिटरेरी डे September 8, वर्ल्ड एड्स डे 1st December, फादर्स डे 3rd Sunday ऑफ जून, चिल्ड्रंस डे तो आई होप सबको पता है 14th November। नाउ 11th पॉइंट है आपका वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे का मतलब होता है जिस दिन कोई नॉनवेज नहीं खाता, वो है आपका 1st October, और 2nd October को महात्मा गांधी जी का बर्थडे, आई होप सबको पता होगा। नेशनल साइंस डे, ये है आपका February 28। ओके सो स्टूडेंट, ये बहुत इजी था चैप्टर, जो इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं वो था हमारा ये, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।